हुआ है उसको भी काम देता है। ये दवा को रात में लगाने से तो नमस्कार जोहार जयसु और आप लोग कैसे हैं? शायद आप लोग बढ़िया होंगे, मैं भी ठीक ठाक हूँ, पर पूरा ठीक ठाक नहीं हूँ। जो कि मैं आप लोगों को पहले बताया था कि मेरा पैर में चोट लगा है और वो चोट अभी तक पूरा क्लियर ठीक नहीं हुआ है, अभी भी फूलना काम नहीं हुआ है। वैसा तो चल सकते हैं, सब तरफ जा सकते हैं, घूम सकते हैं, पर पूरा पूरी अच्छा से कम्प्लीटली ठीक नहीं हुआ है। तो इसलिए मैं यहाँ पर एक अंकल का घर का सामने एक दवा मिलता है, देसी दवा, तो मेडिकल दवा तो मैं खा लिया, यूज कर लिया और एक्सरे भी कर लिया, मेडिकल दवा खा लिया, मलम भी यूज किया, तभी क्लियरली ठीक नहीं हो रहा है। तो मेरा चाचा ने बताया कि वो देसी दवा को यूज करके देख लो, देसी दवा काम करता है या नहीं, एक बार यूज करके देख लो बोल के बोला। तो यहाँ ये जो अंकल का घर है यही सामने एक दवा मिलता है, जड़ी बूटी दवा, तो उसी को लेने के लिए आए हैं। तो चलिए मैं आप लोगों को ले कर चलता हूँ अंकल के घर और वो दवा आप लोगों को दिखाऊंगा और कैसा काम करता है वो भी आप लोगों को बताऊंगा। तो चलिए चलते हैं अंकल के घर के। और ये लोकेशन आप लोगों को बता दूं कि ये जोड़ाबंद जारा टोला है, जो कि जोड़ाबंद पास्टोरेट जोड़ाबंद परिस का सामने ही एक गांव है, जो कि जोड़ाबंद जारा टोला बोलते हैं, और हम लोग का गांव से थोड़ी दूर पर है। तो यहीं पर ये दवा मिलता है, और जगह पर नहीं मिलता है, जहाँ लाल माटी होता है वही आसपास में मिलता है। तो चलिए आ गया हूँ अंकल का घर और अभी अंकल के साथ में जाएंगे दवा करने के लिए। ये देखिए हम लोग जा रहे हैं अंकल के साथ में दवा कोड़ने के लिए और अभी बताएंगे कि ये दवा का नाम क्या है और क्या क्या काम में आता है, ये अंकल बताएंगे। देखिए ये है दवा और क्या दवा है वो तो अंकल बताएंगे, पहले कोड लेते हैं उसके बाद बताएंगे। ये दवा लाल मट्टी एरिया में मिलता है और कहीं भी नहीं मिलता है, और यही अंकल का घर का सामने मिलता है, तो सबको यहीं आते हैं दूर दूर से। देखिए इस तरह से होता है, इस तरह से होता है और फूल भी होता है, आप लोग देख सकते हैं। बारिश हुआ है इसलिए ज़्यादा बड़ा बड़ा हुआ है, नहीं तो धूप में मर जाता है पत्ता सब।
दवा कोड लिए हैं, तो अभी अंकल जी से पूछेंगे कि इसका ये दवा का नाम क्या है और कैसा दिखता है और कौन कौन जगह में मिलता है और अंकल का नाम क्या है। मेरे को भी नहीं पता है, आता हूँ पर अंकल का नाम आज तक मेरे को नहीं पता है। तो चलिए नाम पूछते हैं और बताएंगे कि ये दवा क्या क्या काम में आता है। तो ये है अंकल। अंकल आपका नाम क्या है? मेरा नाम आदम कंट्रोल में। अच्छा, ये दवा जो हम लोग अभी कोड़े हैं, तो ये दवा क्या क्या काम में आता है? एक दवा तो बहुत कीमती दवा है, सब में काम देता है। एक सिरा में भी काम देता है, पैर फूला है उसको भी काम देता है, और अच्छा। फिर बानमारे में भी काम देता है। अच्छा, ये दवा को क्या बोलते हैं, क्या नाम है ये दवा का? हम लोग का भाषा में बोलते हैं तिरुप सिंह। मुंडा भाषा में? मुंडा भाषा में। अच्छा, और सदरी भाषा में बोलता है हेटमुड़िया। अच्छा अच्छा, इसको अगर हम लोग नहीं देखे हैं, कोई भी नहीं देखा रहेगा, ये दवा को ढूंढने से मैंने कैसा मिलेगा, कैसा पता चलेगा कि ये तिरुप सिंह की हेटमुड़िया है बोल के? फूल झुका कर आते हैं और फूटने का समय में थोड़ा सा ऐसे उठता है, सफ़ेद सफ़ेद फूल होता है। सफ़ेद सफ़ेद फूल होता है, यही तो दवा है। अच्छा, और ये दवा को मैं सुना कि यहाँ बहुत दूर दूर से लोग आते हैं ये दवा को लेने के लिए। हाँ, जोरडा से भी आते हैं, राउरकेला से भी आते हैं। अच्छा, और इधर मालंगा तरफ से भी आते हैं, कभी कभी नोने पड़ा से भी आ जाते हैं आदमी सर। ओह अच्छा अच्छा, और ये दवा बहुत जगह पे नहीं मिलता है, कहीं कहीं पर ही मिलता है? माने ये दवा बाइचेस कोई जगह में, सब जगह में नहीं है। अच्छा, कोई जगह में नहीं मिलता, बाइचेस कोई कोई जगह में मिल भी सकते हैं, लेकिन यही जगह में ये दवा तो है। अच्छा, आप लोग का घर का बगल में? नहीं, हम लोग का घर का बगल में। अच्छा, ये गांव बता दीजिए थोड़ा। गाँव जारा टोला जोड़ा बंद कुमार बस्ती। अच्छा, और मेरा नाम है आदम कंडुलना। अच्छा, आप लोग अगर ये वाला बीमारी पकड़ता है तो आइए और हमारा पास से ये दवा को ले सकते हैं। वो भी फ्री में? नहीं कि हाँ फ्री में। हम लोग डॉक्टर का पास जाते हैं तो बहुत पैसा खर्च करते हैं। हाँ खर्च करते हैं। ये दवा पैर फूलता है उसको पीस के मखना होगा, और एक सिरा जो पकड़ता है उसको भी रात को सोने का टाइम में या पीस के माखते हैं, और बनमारी होते हैं छती बातें होते हैं वो जगह में पीस के माखते हैं। अच्छा अच्छा, ये जो किसको पीसना है, फूल या पत्ता या उसका जीर को? मैंने जीर को थोड़ा सा मिला के और उसका पत्ता को उन्हें उधर सबको मिलाना है, सबको मिला के पीसना है, थोड़ा थोड़ा सबको मिला के जहाँ जहाँ दर्द करता है वहाँ वहाँ माखना होगा या माख देना होगा। अच्छा, तो ये देखिए, मैं पहले आप लोगों को बताया थे कि मेरा पैर यहाँ फूल गया था, चोट लगा था, मैं पहले भी आप लोगों को बताए थे, तो बहुत काम हो गया है। मैं एक्सरे भी करवाया लेकिन एक्सरे में कुछ नहीं निकला, और थोड़ा सा ये फूलना जो काम नहीं हो रहा है, तो इसीलिए मैं ये दवा को लेने के लिए आया हूँ ये अंकल का घर का सामने। और कैसा लगाते हैं वो मैं पीस के लगाऊंगा तो आप लोगों को दिखाऊंगा। तो अंकल ने बहुत सारा मेरे को हेल्प किए और ये दवा सब कोड़ के मेरे लिए दिए, इसलिए अंकल को बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोगों को अगर ये दवा का कभी ज़रूरत पड़ेगा, ऐसा आप लोगों को अंकल ने बोले कि पैर जहाँ फूल जाता है और हाइड्रोसिल उसमें भी काम करता है, तो बहुत सारा ये दवा का बहुत अच्छा गुण है, और हम लोग देहात में इसको बहुत यूज करते हैं, और जो जानते हैं वो लोग दूर दूर से भी आते हैं लेने के लिए। तो आप लोग को अगर ये दवा का कभी ज़रूरत पड़ेगा तो ये अंकल से संपर्क कर सकते हैं। ये अंकल का घर है जोड़ा बांध जारा टोला कुंभर टोली, ठीक लाठीकाटा से थोड़ी दूर पर ही है ये अंकल का घर। तो हम लोग दवा कोड़ लिए,
अभी हम लोग जाएंगे घर और हम जब ये दवा को पीस के लगाएंगे उस टाइम आप लोगों को बताएंगे कि कैसा लगाना है। जो जोड़ाबंद जरा टोला है थोड़ा सा टूंगरी और जंगल टाइप का है और यहाँ पे हाथी सब भी आते हैं। हम लोग का गांव में जंगल भी है टूंगरी भी है। टूंगरी का नीचे में तो घर था, वो घर में बुढ़िया था, वो बुढ़िया का बरांडा साहब को धसा दिया और बूढ़ी चिल्लाने लगा कि उस टाइम वो घर से निकल के भाग रहा है। उस टाइम उसको दौड़ा के या पकड़ लिया और पटक दिया और खून दिया। अच्छा अच्छा, वो बूढ़ी अकेली थी घर में? अकेली था। ओहो अच्छा अच्छा, अकेली था। अच्छा, तो हाथी तो सर ज़्यादा ही बहुत ज़्यादा था। हाथी सब कम से कम 25 जैसे था। अच्छा, क्योंकि दोषी तो मैंने एक ठू दोषी किया है। अच्छा अच्छा, यहाँ आप लोग का घर तो बीच में अकेला है, डर नहीं लगता है आप लोगों को? डर तो लगते हैं लेकिन घर में चुपचाप रहते हैं। हम लोग का दरवाजा किनार किनार घूमते हैं, पिछवेर में घूमते हैं, चुपचाप घर में रहते हैं। ये फॉरेस्टर सब हम लोग को बोला कि घर से मत निकलो, लाइट जलाओ। आते हैं वो घूमता है, पानी उनी पीता है देखती भंडा का। हाँ, और कुछ कुछ तो नहीं करता है। अच्छा अच्छा, वो लोग खाने के लिए ढूंढते हैं ना, आजकल तो वो लोग के लिए खाने के लिए नहीं मिल रहा है। हम लोग का घर तरफ भी गया था, वो कटहल सब खा लिया। हाँ, इस बार हाँ इधरों आया था, इधरों भी परसों रोज कटहल सब खा दिया। लेकिन क्या करेंगे, इतना बड़ा जानवर को क्या करेंगे, क्या करेंगे, उतना उसको कुछ धमका नहीं सकते हैं, ना पिटने सकते हैं। जितना खाना है खा लो, चला जाओ, ऐसे बोलते हैं। हाँ ठीक है, आप मेरे लिए दवा सब कोड़ दिए और ये जानकारी दिए कि ये दवा सब क्या क्या काम में आएगा और हेल्प किए, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ये देखिए पिसने का टाइम में ऐसा जो हार्ड वाला इसका जो जीर होता है ये सबको निकल देना है इस तरह से। तो ये देखिए दवा पीस के रेडी हो गया, अभी हम पैर में लगाएंगे और कैसा लगाएंगे वो आप लोग देखते रहिए। ये आप लोग देख सकते हैं दवा को इस तरह से लगाना है। इसको जब हम लोग पीसते हैं तो ये अट्ठा जैसा होता है और ऐसा लगाने का टाइम में ये चिपक के रह जाता है और सूख जाता है ऐसा ही, और जैसे ही सूखेगा वो दर्द और फूला को टनता है। ये दवा को रात में लगाने से अच्छा होता है और आप अगर दिन में कहीं नहीं जाते हैं, नहीं घूमते हैं इधर उधर कहीं भी और घर में ही रहते हैं तो आप लोग दिन में भी लगा सकते हैं, दिन में भी लगा के रेस्ट कर सकते हैं और कम से कम 8-10 घंटा अगर लगा हुआ रहेगा तो अच्छा काम करेगा। इसलिए आप लोग कभी लगाएंगे तो रात में लगाइएगा, सबसे बेटर रहेगा।